हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोगों के पास मोबाइल फोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, उसके बिना हम कहीं नहीं जा पाते। इनफैक्ट बाथरूम भी नहीं जा पाते, पर हमें जाना चाहिए विदाउट मोबाइल फोन। तो क्यों ना हम बात करें एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद हम सबको कभी ना कभी लगा है कि क्या मुझे इस चीज की लत लग गई है, मोबाइल फोन की लत। मोबाइल फोन एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद मेरे बच्चे को मोबाइल फोन की आदत है, एडिक्शन हो गई है। मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड है हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, या मैं खुद सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मुझे शायद मोबाइल फोन की आदत पड़ गई है। तो क्यों ना हम जाने एक मनो चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइकाइट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वाकई में ये कोई प्रॉब्लम है, या क्योंकि सब करते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर ये लत आपको लग गई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन एडिक्शन एक बीमारी नहीं डायग्नोज की जा सकती। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये आपके डायग्नोसिस में नहीं डाल सकता कि मोबाइल फोन एडिक्शन है, मगर प्रॉब्लमैटिक स्मार्टफोन यूज या प्रॉब्लमैटिक मोबाइल फोन यूज जरूर एक ऐसा टर्म है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। फिर भी इसके ऊपर गाइडलाइन ज्यादा क्लियरली अभी भी बनाई जा रही है और बढ़ती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, उसके शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। अब आप मोबाइल फोन की बात ले लीजिए, मोबाइल फोन बहुत अच्छा है। आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन बहुत अच्छा है। जब हमको कुछ पता करना हो, कोई रेसिपी जाननी हो, किसी से कनेक्शन करना हो, तो हम सारे आजकल कोविड में आइसोलेटेड रह रहे हैं, तो तुरंत किसी डॉक्टर को फोन करना है, तुरंत किसी से कुछ मंगवाना है, तो मोबाइल फोन क्लियरली बहुत अच्छा है इन सब चीजों के लिए। बट अति में मति किसी भी चीज में बुरी होती है, राइट? तो अगर आप कोई भी अच्छी चीज को भी इतना ज्यादा इस्तेमाल करें कि वो ओवर यूज हो जाए, तब उसको प्रॉब्लम कहते हैं। तो मोबाइल फोन के अच्छे पहलू तो मैंने आपको बता दिए, और आई एम श्योर आप मुझे और भी बता सकेंगे कि मोबाइल फोन से मुझे मेरे सारे टैक्सेस फाइल करने को मिलते हैं, मुझे मेरे सारे किताबें पढ़ने को मिलती हैं आजकल डिजिटल तरीके से, मेरे को वीडियो देखने को मिलती है, और बहुत सारे फायदे हैं। मगर ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्यों ना हम वो हाईलाइट करें। तो पहली बात तो आजकल आपने देखा होगा कि एक घर में जितने लोग हैं उससे ज्यादा मोबाइल फोन है, और एक ही घर में इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे में या फिर एक ही बिस्तरे पे बैठे बैठे एक दूसरे को मैसेज कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल फोन हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर चुकी है, इवन दो ये कम्युनिकेशन की डिवाइस है वेरी मच। तो एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है जिसको बोलते हैं फबिंग। फबिंग का मतलब होता है फोन की वजह से स्नबिंग, मतलब आप बैठे हैं और मैं बैठी हूँ मगर मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफी बारी लोग अपने मोबाइल फोन की दुनिया में इतने घुस जाते हैं, या तो गेम्स में कह लीजिए या वीडियोस में कह लीजिए, वो बाकी चीजें इग्नोर करने लगते हैं। लोगों के खाने तो जले ही हैं, पर अक्सर लोग डेंजरस सिचुएशन में भी पहुंचे हैं। तो क्लियरली मोबाइल फोन अगर आप रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत हैं, और इनके लिए हमको माइंडफुल रहना है। हम कहते हैं आजकल लोनलीनेस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? जैसे मैंने कहा कनेक्टेड है मगर फिर भी डिसकनेक्टेड है, तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल फोन यूज से। कुछ स्टडीज कहती हैं कि मोबाइल फोन के एक्सेसिव यूज से, ज्यादा यूज से मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो पहले मैं शारीरिक की बात करूंगी क्योंकि आई एम श्योर हम सबको कभी ना कभी ये गर्दन की दर्द जरूर रही होगी। तो हम सब मोबाइल फोन इस तरह इस्तेमाल करते हैं, और तो आई थिंक अगली जेनरेशन में हमारे जिराफ की तरह गले लंबे होते जाएंगे और हम नीचे जाते रहेंगे। तो क्लियरली टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब आप इतना मोबाइल में व्यस्त हैं कि आपकी गर्दन हर समय नीचे अटकी हुई है, एंड उसकी वजह से आपको पेन इन द नेक, बहुत ज्यादा स्टिफनेस, टायर्डनेस, कमर में दर्द, ये सारा होना बहुत ही कॉमन है। आईज में पेन, आईज से वाटरिंग। अब ये तो कॉमन फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, मानसिक जो प्रॉब्लम है वो और भी बड़ी है। डिप्रेशन के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं जब आप सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया में हर समय रहें। एंजाइटी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हम सबको फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये भी एक मोबाइल फोन के एक्सेसिव यूज का एक साइड इफेक्ट कह लीजिए या इल इफेक्ट कह लीजिए हो सकता है। इसके अलावा नींद एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मोबाइल फोन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट की है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर ये रात को आप वीडियो देख रहे हैं तो क्लियरली आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं जो हम मना करते हैं कि रात को सोने से कम आधा घंटा पहले कोई
मोबाइल फोन या डिवाइसेस ना यूज की जाए। और आज मैं ज्यादातर मोबाइल फोन बोल रही हूँ, पर मैं ये ज्यादातर आपके बाकी गैजेट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मोबाइल फोन पहले आए, उसके बाद फिर आपका आईपैड, फिर आपका लैपटॉप की वेरिएशंस, ये सारी हैं, तो इन सबको साथ में ही पकड़िएगा। सो हैविंग सेड दैट, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप की प्रॉब्लम बहुत 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 ही कॉमन है मोबाइल फोन यूज के साथ, एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज के साथ। गोइंग बैक टू इट, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन फेंक देने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन यूज नहीं करने चाहिए, मगर एक बैलेंस में हर चीज जब यूज की जाए तो वो अच्छी होती है। प्रॉब्लमैटिक यूसेज कब बोलेंगे किसी भी चीज को? तो हम साइंटिस्ट ने ना एक तरीका बनाया हुआ है, एक चेकलिस्ट है एक तरीके की, आप समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं एडिक्शन चेकलिस्ट। अब एडिक्शन जब आप शब्द सुनते हैं तो आप ड्रग्स के बारे में सोचते होंगे, आप अल्कोहल के बारे में सोचते होंगे, आप सिगरेट के बारे में सोचते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि बिहेवियर से भी इंसान एडिक्टेड हो सकता है? इसको बोलते हैं बिहेवियरल एडिक्शन, मतलब किसी ना किसी बिहेवियर की आदत लग जानी। अब वो मोबाइल फोन यूज एक बिहेवियर हो गया, कुछ लोगों को सेक्स की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को गैम्बलिंग की लत लग जाती है, कुछ लोगों को इवन अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स की एडिक्शन लग जाती है, पॉर्न देखने की, बहुत सारे टाइप की। तो इसी तरह से जो एडिक्शन का जो एक बेसिक मॉडल है वो कुछ क्राइटेरिया कहता है, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर 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 किसी से मदद लीजिए, या एटलीस्ट एक्नॉलेज करिए कि आपको प्रॉब्लम है। तो निकालिए एक पेन और पेपर और मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप ऑनेस्टली हाँ या ना बोलेंगे, और देखेंगे कि क्या आपको मोबाइल फोन से कुछ ज्यादा ही प्यार है या जस्ट ठीक ठाक प्यार है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, सबसे पहली बात हुई, क्या आपको हर समय मोबाइल फोन की क्रेविंग होती है, मतलब दिमाग पे चलता रहता है? अब ये क्रेविंग किस तरीके से होगी, मान लीजिए मोबाइल दूसरे रूम में रखा हुआ है, आपको अभी कुछ किसी भी काम के लिए नहीं चाहिए, मगर आपका दिमाग उसकी तरफ जा रहा है, अरे मोबाइल ही कराना है, अरे मैं कर ही नहीं सकता हूँ मोबाइल के बिना। इसको बोलते हैं विड्रॉल, इतनी आदत लग जाना कि उस पर डिपेंडेंट हो जाना, कहते हैं ना मेरी डिपेंडेंसी बन गई है यार, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मेरा पेट साफ नहीं होता है, उसी तरह मेरा मोबाइल अगर मेरे हाथ में नहीं होता है, ऑफकोर्स वो आपके काम के लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही आपकी क्लास हो पाएगी, अगर वर्चुअल क्लास है तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, मगर आपको कोई काम नहीं है पर फिर भी आप एक छोटा सा डेट देखने के लिए भी मोबाइल के लिए ही आपको आदत पड़ रही है, गलत और सही नहीं है। बात यह है कि आप कितने डिपेंडेंट है अपने मोबाइल फोन पे। अगली बात है टॉलरेंस, तो क्यों ना आप अपने फोन में जाइए और देखिए कि आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, बहुत शॉकिंग नंबर्स होते हैं। अक्सर छुट्टी के दिन पे मैं भी इतने घंटे इस्तेमाल कर बैठती हूँ कि मैं बाद में रात को जब देखती हूँ कितने घंटे यूज हुआ, आई फील एक्सट्रीमली एम्बेरस्ड एंड गिल्टी कि इतना नहीं यूज करना चाहिए था। तो अगर आपके मोबाइल फोन का यूसेज एक्सेसिव है, अब उसमें भी एक्सेसिव का मीनिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल फोन लेजर के लिए भी यूज हो रहा है, ऑफ कोर्स मोबाइल फोन आपका काम के लिए भी यूज हो रहा है, ऑफ कोर्स मोबाइल फोन आपके हो सकता है पूरा बिजनेस ही वर्चुअल है तो उसी पे चल रहा है, मगर आप जानते हैं पर्सनली कि कितना यूज सही था और कितना यूज एक्सेसिव था, राइट? तो वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस देखना जरूरी नहीं है, शायद वो एक वीडियो जिसमें हाउ टू डू दिस एक्सप्लेनेशन थी वो देखना शायद जरूरी था, राइट? तो ये चीज में हो गई आपकी अगली बात कि आपकी कितनी ज्यादा टॉलरेंस है, क्या आपके घंटे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है चिड़चिड़ेपन की, विड्रॉल की, क्योंकि मोबाइल फोन से कोई फिजिकल विड्रॉल तो होता नहीं है, हालांकि सच्ची बताऊं तो रात को अगर आप तकिए के नीचे हर समय ढूंढते हैं कि अरे कहाँ गया, और सुबह उठते सबसे पहले इसको अगर उठा के गले लगाते हैं भगवान का नाम लेने से पहले भी, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी एक फिजिकल एक्सटेंशन भी बन रही है। बट मूड पे इस पे बहुत असर आते हैं, अगर मोबाइल ना मिल रहा हो तो आपने नोटिस किया आपका मूड कैसा हो जाता है, एकदम से गुस्सा आने लगता है, एकदम से चिंता होने लगती है, ऐसे टेंशन होने लगती है जैसे पता नहीं किसी का बच्चा खो गया हो। तो आपके मूड पे अगर चेंजेस हो रहे हैं, अगर विदाउट मोबाइल फोन आपको को रहना पड़े, इंटरनेट नहीं चल रहा है या मोबाइल फोन खराब हुआ है या मोबाइल में किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपकी नींद उड़ जाए, आपका चैन चला जाए, अगर आप खाना पीने पे इग्नोर करने लगे, तो डेफिनेटली मोबाइल फोन एडिक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, या स्मार्टफोन ओवर यूज जैसे मैंने आपको बताया। फाइनली एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम सब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं पर जरूरी है, अगर आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली मेंबर्स आपको कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हो, तो इंस्टेड ऑफ इमिडिएटली उनको काट के खा के बोलना अरे आप भी तो करते हो, मैं सिर्फ थोड़ी ना करता हूँ, मैं करती हूँ, ये हम सबका एक डिफेंस होता है, राइट? मगर शायद इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या वाकई में मैं मोबाइल फोन इतना ज्यादा यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो मेरे बाकी पार्ट्स ऑफ लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है,
मतलब क्या इससे मेरी नींद, खाने पे इफेक्ट हो रहा है, क्या मेरी पढ़ाई, मेरे काम पे इफेक्ट हो रहा है, क्या मेरी रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो रहा है, क्या मेरे अपने साथ की रिलेशनशिप, मतलब मैं बाथरूम में इतने घंटे लगा बैठी कि मोबाइल फोन पे ही स्क्रॉल करती रही करती रही करती रही, इतने घंटे की जरूरत नहीं थी, और नहाया नहीं इतनी देर क्योंकि ऐसा लगा रहे एक अगला एक और मैसेज करना है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा वार्निंग बेल्स देनी चाहिए कि शायद तो प्रॉब्लम है। अगेन एडिक्शन वर्ड नहीं यूज करूंगी, बट स्मार्टफोन ओवर यूज एंड प्रॉब्लमैटिक यूज हो रहा है। सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल एंड बी एक्सेप्टिंग कि अगर ये हो रहा है कि नहीं। बच्चों के लिए मोबाइल बहुत ही बुरा नहीं है, जैसे मैंने बोला आप अपना काम कर पाते हैं, वैसे बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट है इंटरनेट पे जो कि बच्चों के लिए अच्छा है। इनफैक्ट गेम्स, जो कि हम पेरेंट्स डरते हैं कि मेरे बच्चे को गेमिंग की आदत ना लग जाए, बट गेम्स एक्चुअली ज्यादा बेटर होते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही हो रादर देन जस्ट पैसिवली वीडियो देखना। तो हमेशा मैं यंग पेरेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को अपने मोबाइल पे टाइम देना भी है तो ऐसा दीजिए जिसमें इंटरेक्टिव हो, रादर देन बस एक वीडियो चल रही है चल रही है चल रही है, उसमें ब्रेन की अलग वेव्स इन्वॉल्व होती हैं देन जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं या कलरिंग कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं या कोई आंसर दे रहे हैं। कौन सी उम्र पर बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, ये एक सवाल बहुत कॉमनली मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आपको और मेरे को भी नहीं मोबाइल मिलना चाहिए क्योंकि किसी भी उम्र पे हम इस बहकावे में आ सकते हैं कि आई एम इन कंट्रोल, पर हम रियली कंट्रोल में नहीं है। बट यू बी द जज ऑफ इट, हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है। हमेशा एक चीज याद रखिए कि मोबाइल फोन का टाइमिंग आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बांध के रखिए कि कितने बजे के बाद नहीं इस्तेमाल होगा या दिन में कितनी देर यूज होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना के रखिए कि कहाँ पे यूज नहीं होगा। मैं इनको कहती हूँ नो मोबाइल फोन जोन्स ऑफ द हाउस, जैसे कि हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे कभी भी कोई मोबाइल फोन नहीं यूज करता है, इनफैक्ट साइड पे रखा जाता है, गंदे भी होते हैं मोबाइल फोन, लोग बाथरूम ले जाते हैं, राइट। सो एरिया डेजिग्नेट करिए कि स्टडी टेबल पे मोबाइल फोन नहीं यूज होगा, वर्चुअल वीडियो ऑब्वियसली अगर क्लास चल रही है लैपटॉप पे करिए, एक प्रोफेशनल बात होती है, मोबाइल फोन पे एक प्रोफेशनल बात नहीं होती है, राइट। सिमिलरली आप अपना काम भी क्यों ना एक लैपटॉप या किसी और डिवाइस पे करिए, क्योंकि मोबाइल फोन आपका लेजर भी है, मोबाइल फोन आपका कनेक्शन भी है, आपका व्हाट्सएप भी है, और अगर आप उस पर काम भी कर रहे हैं तो ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होता है। बच्चों के साथ हमको शुरू में थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए डेफिनेटली, बट एक पॉइंट के बाद उनको कंट्रोल सिखाना चाहिए, बिकॉज अगर हम बच्चों को कंट्रोल करने लगेंगे तो बच्चे क्लियरली वही बोलेंगे जो मैंने पहले बोला था, आप भी तो इतना यूज करते हो, और ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा कि हम काम कर रहे हो और तुम लोग कर रहे हो जो वो लेजर है शायद। बट हैविंग सेड दैट, मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल, उनको समझाइए जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपका यूज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसे बच्चों को भी दिखाइए कि उनका यूज कब प्रॉब्लमेटिक है। एंड सबसे बड़ी बात, एक फिलोसफी जो फॉलो करनी चाहिए जब भी मोबाइल फोन की यूज करने की बात हो, जो अडल्ट हो कि बच्चा हो, इट डजंट मैटर, ऑलवेज क्रिएट मोर देन यू कैन कंज्यूम, ऑलवेज क्रिएट मोर देन यू कैन कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ वीडियो देख रही हूँ वीडियो देख रही हूँ, खाना पकाने की वीडियो में ले लीजिए एग्जाम्पल, मैंने बिरयानी भी सीख लिया, मैंने पुलाव भी सीख लिया, मैंने चिकन भी सीख लिया, मैंने वेजिटेरियन भी सीख लिया, पर मैंने कभी बनाया नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये एक वेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कंज्यूम की, और कंज्यूम कर करके इंसान मोटा होता है और कुछ नहीं होता है, राइट। तो क्यों ना क्रिएट किया जाए। इसी तरह मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पे दूसरों की पोस्ट देखने में इतना वक्त लगा रहे हैं, क्यों ना अपने पोस्ट स्टार्ट करिए, डेफिनेटली थोड़ी सी ग्रेटिफिकेशन आपको भी मिलेगी। इसी तरह अगर बच्चे जो है वो हर समय सिर्फ माइंडलेसली गेम देख कुछ वीडियोज देख रहे हैं, और उनको बोलिए अगर आपने क्राफ्ट की वीडियोज देखी है क्यों ना आप क्राफ्ट बनाइए। तो क्रिएट एंड कंज्यूम का प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है एक माइंडफुल यूसेज के लिए। और एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज अच्छी बुरी तभी होती है जब वो किस नजरिए से देखी जाए, उस पे मैटर करता है। एक माइंडफुल बैलेंस यूज हर चीज का किया जा सकता है, जैसे कि अब हम गाड़ियां चलाना बंद नहीं कर दिए हैं क्योंकि ग्रीन, अब कह रहे हैं हम ग्रीन होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गाड़ियां चलाना बंद नहीं कर दिए हैं, पर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कार पूल कर लीजिए या फिर वॉकिंग चले जाइए, तो मोबाइल फोन आप बंद करके डब्बे में फेंक मत दीजिए, बट बी माइंडफुल। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ कुछ सालों से और बहुत इफेक्टिव हुई है। शुरू के स्टार्टिंग के दिन में पहले 20 मिनट और आखिरी 20 मिनट मोबाइल फोन मत यूज करिए। अगर 20 बहुत ज्यादा लग रहा है तो बस 5 से स्टार्ट करिए, फिर 10 करिए, फिर 20 करिए, बट फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इन द डे शुड नॉट बी योर मोबाइल फोन एज योर फ्रेंड।
समय देखने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो टाइम देखने के लिए उठाया था और फिर कहाँ चला गया। अगर आप समय देखने के लिए उठा रहे हैं इट्स फाइन, बट फिर सोशल मीडिया पे मत चले जाइए डायरेक्टली। अगर कोई मेडिटेशन ऐप सुनना चाहते हैं तब भी ठीक है, मोबाइल फोन यूज कैन बी वॉरंटेड, बट अगेन क्रिएट वर्सेस कंज्यूम। अगर आप उसमें कुछ क्रिएट कर रहे हैं अच्छा उससे तो अलग बात है, अगर किताब रीड कर रहे हैं अलग बात है, रादर देन कि अगर आप माइंडलेसली स्क्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी माइंडफुल एंड आई थिंक यू विल बी फाइन, बिकॉज मोबाइल फोन्स आर हियर टू स्टे, मोबाइल फोन कहीं नहीं जाने वाले, दे विल ओनली गेट बेटर एंड स्मार्टर देन यू एंड मी, सो लेट्स नॉट मेक देम स्मार्टर देन अस। पहला अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी चीज प्रॉब्लम बना सकती है, बन सकती है कभी भी फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मुझे नहीं लग सकती है लत। इनफैक्ट आई वुड से कि बहुत टाइम मुझे लगा है कि मुझे लगी है ये लत, इसी तरह ये किसी को भी हो सकती है। तो पहली बात है अवेयरनेस, सेकेंड बात है एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज एक्सेप्ट करिए, उससे झगड़ा मत करिए, किसी प्रोफेशनल से मदद लीजिए, किसी फैमिली मेंबर को डिस्कस करके पूछिए कि तुम कैसे कंट्रोल कर रहे हो, शायद मैं भी सीखना है, सीखना चाहती हूँ या सीखना मेरे को चाहिए तुमसे, राइट। तीसरी बात है अप्लाई करिए, जैसे मैंने आपको दो तीन छोटी 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 बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, कोई भी एक ले लीजिए, अगले 3 हफ्ते के लिए एक ही टेक्निक अप्लाई करिए कि मैं शुरू के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट ऑफ द दिन मोबाइल फोन नहीं यूज करूंगा या करूंगी। ये नहीं कि मोबाइल तब तक चल रहा है जब तक आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। सो मे बी जस्ट ट्राई दैट वन थिंग। एंड फाइनली आई थिंक हम धीरे 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 ज्यादा अवेयरनेस के साथ और माइंडफुलनेस के साथ इसके ऊपर टाइम कर्टेल कर पाएंगे। एंड पैंडमिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली मोबाइल फोन यूज सबको पता ही है बढ़ता रहता है, तो क्यों ना दिन में एक 20 मिनट जोन बनाए जिसमें सीरियसली मोबाइल फोन बिल्कुल यूज ना करें। आप नोटिस करेंगे उन 20 मिनट में आपके बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, पर उस 20 मिनट में कुछ क्रिएटिव करिए, या तो मेडिटेट कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, या आपको गार्डनिंग करना है गार्डनिंग कर लीजिए, आप राइटिंग करना है रीडिंग करना है, पर वो 20 मिनट जो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं मोबाइल के बिना रहने के लिए, वो आपके लिए बहुत आगे जाने तक और इवन बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है। बट एवरी डे सेम 20 मिनट्स इरिस्पेक्टिव कि क्या चल रहा है, ट्राई ऐसा करना चाहिए, आधा एक घंटा इधर उधर चल सकता है ऑफकोर्स।